नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर काम क्या करता था, जो बहुत अच्छा काम करता था और उसके नीचे बहुत सारे वर्कर भी काम करते थे, तो वर्कर भी मैनेजर से बड़े खुश रहा करते थे और मालिक भी खुश रहता था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मैनेजर कुछ काम कर रहा था जिसकी वजह से काम थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया। और अभी होता क्या है कि काम डिफॉल्ट होने की वजह से मालिक आके उसे फटकार सुनाता है। अभी जब फटकार सुनाता है तो मैनेजर गुस्सा होता है। अभी मैनेजर के नीचे लेबर काम कर रहे होते हैं, तो मैनेजर करता क्या है कि सारा का सारा गुस्सा लेबर के ऊपर उतार देता है। अभी लेबर क्या करें, लेबर गुस्सा होते हैं तो लेबर जाके क्या करते हैं, लेबर के नीचे वॉचमैन आता है, तो लेबर सारा का सारा गुस्सा जाकर वॉचमैन पे उतार देते हैं। अभी होता क्या है कि वॉचमैन क्या करे, अब वॉचमैन जाता है घर में जाता है। अभी घर में जाके वॉचमैन करता क्या है, क्यों गुस्सा सारा का सारा अपनी पत्नी के ऊपर उतार देता है। अब पत्नी क्या करे, अभी पत्नी क्या करती है, पत्नी सारा का सारा गुस्सा जाकर अपने बच्चे के ऊपर उतार देती है। अब बच्चा क्या करे, बच्चा जाता है, बच्चा सारा का सारा गुस्सा अपने माँ का एक कुत्ते के ऊपर जाकर उतार देता है। और कुत्ता सनक जाता है और कुत्ता जाकर सनक कर एक आदमी को काट लेता है। अभी मेरे दोस्त, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि वो आदमी कोई और नहीं होता, वो कंपनी का मालिक होता है, जिसने मैनेजर को फटकार लगाई होती है। सो दोस्तों, कारवां मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि स्टार्ट कहां से हुआ था और कहां पे आके, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके गिर गया। जैसा कर्म करेंगे दोस्त, फल वैसा मिलेगा। गलती मैनेजर की नहीं थी, लड़ाई मालिक के घर से स्टार्ट हुई थी। और मालिक ने गुस्सा कहां उतारा, मैनेजर के ऊपर। मैनेजर ने गुस्सा कहां उतारा, वर्कर के ऊपर। वर्कर ने उतारा चौकीदार के ऊपर, चौकीदार ने उतारा अपनी वाइफ के ऊपर, वाइफ ने उतारा अपने बच्चे को, और बच्चे ने उतारा कुत्ते के ऊपर, कुत्ते ने फिर कहां पकड़ लिया, जहां से शुरू हुआ था किस्सा वहीं पर। तो मेरे दोस्त, मैं बताना चाहता हूं कि बुरा ना करें किसी के साथ यार, ठीक है, रिजल्ट आपको हाथ के हाथ मिल जाएगा। दोस्त 21वीं सदी में बैठे हैं आप, कलयुग चल रहा है, कलयुग में बैठे हैं, यहां पे हाथ के हाथ रिजल्ट मिलता है। अगले जन्म का इंतजार ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें दोस्त, ठीक है, और बुरे ना बने। मोरल स्टोरी यही है दोस्त कि बुराई ना करें किसी के साथ, ना किसी के साथ बुरे बने, ठीक है। और अपना गुस्सा दोस्त किसी और के ऊपर ना उतारें, ठीक है, खुद से कंप्रोमाइज करें और गुस्से को पालना सीखें, गुस्से को पीना सीखें। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच।